हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी श्रुति मिश्रा, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू, जो कि है हिमालय जेंटल डेली केयर प्रोटीन शैम्पू विथ चिक पी। इससे पहले मैंने इसका एक नॉर्मल जो प्रोटीन शैम्पू है डेली केयर वाला, उसका रिव्यू शेयर किया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये शैम्पू आपके लिए है कि नहीं, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में लगा हुआ है बेल बटन, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। मैं सबको रिप्लाई करूँगी, सबकी हेल्प करूँगी एज सून एज पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंटल डेली केयर प्रोटीन शैम्पू विथ चिक पी क्लींस जेंटली मेक्स हेयर हेल्दी। ये 200 ml की बॉटल है, इसका प्राइस 130 rupees है। इसकी शेल्फ लाइफ 3 years तक है, 3 years तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइज, इसके बहुत से शैम्पू आते हैं, एंटी हेयर फॉल आता है, एक प्रोटीन शैम्पू आता है जिसमें चिकपी नहीं मिक्स किया गया है, जिसका रिव्यू मैंने किया हुआ है अपने चैनल पे कुछ बहुत टाइम हो गया है। मैं उसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में दे दूँ, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं रीड करती हूँ कि प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है। जेंटल डेली केयर प्रोटीन शैम्पू इज एनरिच्ड विद द गुडनेस ऑफ चिकपी लिक्राइज एंड आमला विच हेल्प प्रोवाइड नेसेसरी नरिशमेंट टू हेयर फोर्टिफाइड द हर्बल इंग्रीडियंट्स आर शैम्पू आर इफेक्टिव विद जेंटल लीविंग योर हेयर ब्यूटीफुल एंड हेल्दी। चिक पी नोन सोर्स फॉर प्रोटीन नरिशेस टू कीप हेयर सॉफ्ट एंड स्मूथ लिक्विडाइज नोन टू प्रमोट हेयर ग्रोथ। मतलब कि आपके हेयर को हेल्दी रखेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा, जो कि इसमें लिक्विडाइज मिक्स किया। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें काफ़ी सारे केमिकल है, ये कोई हर्बल प्रोडक्ट नहीं है। इसमें लॉरियल सल्फेट भी है, बट इसमें पैराबेन नहीं है। अगर पैकेजिंग की बात करें गाइस, तो इसकी नॉर्मल से हिमालय के सारे प्रोडक्ट इसी तरीके के पैकिंग में आते हैं। ग्रीन कलर का कैप है, फ्लिप फ्लॉप ओपनिंग है, बैक में प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन की गई है। बॉटल काफ़ी मजबूत टिकाऊ है, मतलब कि आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो ईजिली, कहीं से भी लीकेज नहीं करती है। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये वैसे ही क्रीमी टाइप का शैम्पू है। स्मेल इसकी एकदम हिमालय के जो सारी लोशन सब में आती है, उसी तरीके की कॉमन सी स्मेल है। ये तो थी प्रोडक्ट की डिटेल, मैं शेयर करी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में। गाइस, जैसे कि मेरे हेयर ड्राई हैं एंड स्कैल्प ऑयली है, ये शैम्पू सीधा क्लेम करता है आपके हेयर को हेल्दी करने का और ब्यूटीफुल लुक देने का, मतलब कि सिल्की करेगा एंड साथ ही साथ आपके हेयर को हेल्दी करेगा, बाउंसी करेगा, मतलब कि रीग्रोथ प्रमोट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रीग्रोथ की। तो गाइस, इसको यूज़ करते हुए मुझे टाइम हो गया है, ये मेरी शायद सेकेंड बॉटल है। रीग्रोथ की बात करें फ्रेंड्स, तो ये डिपेंड करता है, मैं रीग्रोथ को नहीं मानती हूँ, ये डिपेंड करता है बॉडी के अंदर से। मतलब कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आपको जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है हेयर लॉस की, तो डेफिनेटली आपके हेयर को प्रमोट करेगा, रीग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर ड्राइनेस को रिमूव करने की बात करें फ्रेंड्स, तो हाँ, इसको यूज़ करने के बाद आपके हेयर से ड्राइनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कि इसको यूज़ करने के बाद अगर आपको ऑयली स्कैल्प है, तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही शैम्पू करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके हेयर आपके स्कैल्प का ऑयल जो है उसको कंट्रोल नहीं करता है। मतलब कि आपका स्कैल्प ग्रीसी होने लगेगा 2 से 3 दिन बाद, इसलिए आपको शैम्पू थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा। यही इसका एक ड्रॉबैक मुझे नज़र आया। अगर रिकमेंड करने की बात करें फ्रेंड्स, तो ये शैम्पू मैं हाईली रिकमेंड करूँगी उनको जिनके रफ, ड्राई, डैमेज्ड एंड केमिकल ट्रीटेड हेयर है, और वो एक नॉर्मल सा हर्बल प्रोडक्ट चाहते हैं जो कि उनके बाल को सिल्की दे, सिल्की लुक दे, थोड़ा सा रफनेस कम करे, तो वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बट अगर जिनके ऑयली स्कैल्प है, ऑलरेडी हेयर ऑयली है, तो वो इस शैम्पू से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि ये शैम्पू उनके हेयर को और ऑयली कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो था मेरा शॉर्ट सा रिव्यू हिमालय जेंटल डेली केयर प्रोटीन शैम्पू विथ चिक पी। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ उसे लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बगल में लगा हुआ बेल बटन, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।